हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद फहद खान और आप देख रहे हैं हमारा हम सबका अपना यूट्यूब चैनल मोहम्मद फहद खान। तो भाई अभी हम लोग जा रहे हैं रॉक्सी सिनेमा और वहां पर मूवी का प्लान है और मूवी का नाम है पठान। तो आज के व्लॉग में पठान का रिव्यू होने वाला है और हम बताएंगे आपको देख के आके कि मूवी कैसी थी और उसमें शाहरुख खान कैसा था। टिकट्स हमारी हो गई हैं A5 और A6 रॉक्सी की, लेकिन अभी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हम लोग लेट हैं 5 मिनट। कोई नहीं, पहुंच जाएंगे जल्दी जल्दी। और इस टाइम हम मौजूद हैं बुर्जमान के करीब क्रीम में, मिलते हैं हम बॉक्स पार्क यानी कि बॉक्स और सॉरी रॉक्सी काट दो रॉक्सी। आपको पता है जैसा कि मूवी के दरमियान में वॉशरूम जाना तो बहुत जरूरी है, वो हम हुए हैं और अब हमारी स्क्रीन। तो भाई मूवी हमारी कंप्लीट हो गई है और मैंने थोड़ा थोड़ा आपको सिनेमा भी दिखा दिया। अब हम चलते हैं घर और घर बैठकर हम इस मूवी के ऊपर पूरी बात करेंगे कि किस किस ने कैसा कैसा रोल प्ले किया और कैसी डायरेक्शंस थी। ओवरऑल अच्छी मूवी थी, लेकिन जो हम जाकर बात करेंगे इसके ऊपर खुल के। ओके, सो नाउ इट्स टाइम टू रिव्यू द पठान मूवी। तो पठान ने 350 करोड़ का बिजनेस कर लिया। तो इस मूवी में आपको शाहरुख खान बहुत अरसे के बाद एक्शन में नजर आएंगे और उनके साथ होंगे जॉन इब्राहिम एज अ विलन का रोल प्ले कर रहे होंगे। मूवी में जॉन इब्राहिम का रोल ये होगा कि वो टेरर को आउटसोर्स करेंगे और उसमें पाकिस्तानी एक जनरल जो है वो उसको परचेज करेंगे। तो भाई इंडिया की एज यूजल जो मूवीज होती हैं
उसमें सेम यही होता है कि पाकिस्तान और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट दिखाया जाता है। तो इसको एंटी पाकिस्तान के सेंटिमेंट से थोड़ा सा दूर रखा गया, क्योंकि इसको अरब कंट्रीज ने भी जाकर देखना होता है। अब होता यह है कि एज यूजल जो आपकी मूवीज बनती हैं इंडियन मूवीज, इसमें ISI रॉ इनके अलावा कोई और चीज़ है नहीं। और मुझे एक चीज़ जो थोड़ा सा लगा कि जो मूवी के सारे सीन थे वो मुझे कहीं ना कहीं देखे हुए थे, कोई फास्ट एंड फ्यूरियस का सीन था कहीं कहीं पर, और इसमें एक्शन थोड़ा सा ज़्यादा था। लाइक आपका कोई लॉजिकल बन ही नहीं ना, कोई बात का कोई सर और पैर ही नहीं है। जहाँ आपका दिल चढ़ेगा आप मोटरसाइकिल उड़ा देंगे, जहाँ दिल करेगा आपका हेलीकॉप्टर उड़ा देंगे, जहाँ दिल करेगा इब्राहिम उसको पकड़ेगा हेलीकॉप्टर को दो रस्सियों से बांध देगा, जहाँ उसका दिल करेगा आपको मिसाइल चलते हुए नजर आ जाएंगे। तो अगर तो आप देखने वाले हैं एक्शन तो ये मूवी आपको पसंद आएगी। और अगर आप शाहरुख खान को देखना चाहते हैं और उसकी क्यूट सी स्माइल को देखना चाहते हैं और उसका वो रोमांटिक सा फेस है वाला देखना चाहते हैं तो आप ज़रूर जाएँ, और अगर आप चाहती हैं तो भी आप ज़रूर जाएँ। और भाई वो जो अपनी दीपिका है वो रुबाई जो शाहरुख खान की है भाई, क्या कमाल की ड्रेसिंग। बहुत अरसे के बाद बॉलीवुड के ऐसे आपको डायलॉग सुनने के लिए मिलेंगे जो कि आप अपनी डेली रूटीन में लोगों को कर सकते हैं। लाइक यार मैंने तेरे लिए एक जॉब ढूंढ ली है, क्या वो कब्र खुदवा ली है उसके अंदर तेरे लेटने का काम है। तो भाई शाहरुख खान की क्यूट सी स्माइल के बाद आपको इस मूवी में वो वाला रोमांस, टिपिकल वाला रोमांस है वाला देखने को नहीं मिलेगा। इसमें जो रोमांस होगा वो उसकी दीपिका के साथ यानी कि उसकी रुबाई के साथ बहुत ज़बरदस्त किस्म का मिलने वाला है, और वो आपको एक्शंस के साथ मिलेगा। और इसमें जो दीपिका की ड्रेसिंग है तो भाई आउटफिट तो भाई हर चीज़ के लिहाज, और दीपिका ने जो वो गर्मी गर्मी वाला सीन किया है भाई, गर्मी गर्मी वाला वो नहीं था उसकी तरह डांस मूव, लेकिन बेहतर थे, बहुत मज़े के थे। और अगर आपको पसंद है ये सारी चीज़ें तो ये मूवी आपके लिए है। तो भाई पठान जब थक हार के बैठता है यानी कि शाहरुख खान, तो उनके बाजू में बैठ जाते हैं आगे सलमान भाई, और सलमान भाई कहते हैं पठान थक गया है क्या। यानी कि जो बॉलीवुड में इतनी देर से सलमान और शाहरुख इंटर नहीं हुए थे, तो अब यहाँ पर सलमान और शाहरुख को आप बहुत अरसे के बाद 4 साल के बाद देखने वाले हैं। जब सलमान और शाहरुख खान दोनों इकट्ठे होते हैं तो मुझे करण अर्जुन याद आ जाते हैं, मेरा करण अर्जुन आएंगे। इंडियंस की मूवीज़ की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है कि ये पाकिस्तान के अगेंस्ट इनका एक बंदा जाता है, सारे पाकिस्तान के जहाज ये वो सारे तबाह करके आ जाते हैं, मूवीज़ ये बहुत कमाल की बनाते हैं, लेकिन असल में अगर आ जाते हैं तो फिर वो वहीं गिर जाते हैं। अभिनंदन तो आपको याद होगा, खैर ये बात सारी इससे हटके थी। आप ज़रूर जाएं और जाके मूवी को एंजॉय करें। मिलते हैं हम नए व्लॉग में, बाय।